लोग मैं भी ठीक हूँ और कर लेते हैं अब दिन शुरुआत। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं मीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ। तो शुरुआत, तो गाइस मैं अभी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे गए स्कूल और मैंने नाश्ता बना लिया है और अब मुझे ना झाड़ू पोछा करना है, उसके बाद करेंगे हम नाश्ता। वीडियो पे बने रहे, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मैं कर लेती हूँ अब थोड़ा काम, फिर आप वीडियो पे बने रहिएगा, दिन का दिखाती हूँ आप लोगों को क्या करने वाली हूँ घर का काम। तो अभी मैं ना पोछा लगाती हूँ, फिर मिलते हैं। हो गया मेरा पोछा लगाने का काम, अब मैं नाश्ता करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गैस मैं लगा रही हूँ आज झाड़ू, और ये था कहनी ना हमारे पहाड़ भाषा में कड़ोच, तो मैं ये लाज झाड़ू लगू नाच हूँ। और यहाँ पे ना चुटकी रहती है, तो चुटकी के वहाँ पे पत्ते पत्ते होते हैं, मैं इकट्ठा कर रही हूँ इनको। उसके बाद आज मैं जाऊँगी बाज काटने, तो दिखाऊंगी आप लोगों को। और आज गोविंद अभी नहीं आए, तो मुझे सारा काम करना पड़ेगा। तो फिर मिलती हूँ, अभी झाड़ू लगाती हूँ मैंने।
चुटकी है, यहाँ पे रहती है हमारी चुटकी, तो यहाँ पे भी मुझे झाड़ू लगाना है और इसमें चुटकी खाना जो बचा होता है वो खाती है। अब मैं इसको भी थोड़ा झाड़ लेती हूँ फिर। मैं जाऊंगी आज बाज काटने, ये मैं दराती लेके जा रही हूँ और मेरे पास ना एक अमरूद लेके आई हूँ घर से, जब भी मुझे प्यास लगेगी तो मैं इसे खा लूंगी वहाँ पे। ये देखो इतना अच्छा अमरूद है, तो अब मैं चलती हूँ बाज काटने। ये वाले पेड़ से काटूंगी बांस, ये वाले पेड़ से यहाँ से, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं आ चुकी हूँ घर, अभी बाज काट के अब दिखाती हूँ उनको कैसे करती हूँ लकड़ी से। और ये ना मैं लकड़ी से छोटे छोटे कर रही हूँ, इसको गाय खाएगी नहीं तो इतने बड़े बड़े कैसे खाएगी। ये डंडे ना हमारे जाड़ों में आग जलाएंगे तो उसके कांडियों को सुखाएंगे तो अगले साल जाड़ों के लिए काम आएंगी ये हमारी लकड़ी।
तो गैस मेरा काम हो चुका है पूरा। मैंने देखो ये लकड़ी से सारा बाज अलग कर लिया है और दराती से छोटे छोटे करके, और अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं खाऊंगी अमरूद जो मैं अमरूद लाई थी, और उसके बाद फिर दिखाती हूँ आप लोगों को लकड़ी मैंने कितनी इकट्ठी कर रखी है और बाज कैसे कर रखे। तो देखो मैंने इतनी बाज काट ली है चुटकी और पूरी माँ के लिए, ये ना आज रात और कल सुबह तक के लिए हो जाएगी, और कल गोविंद आएंगे तो फिर से काटेंगे। और ये देखो लकड़ियाँ, ये देखो इतनी लकड़ी इकट्ठा कर दी ये जाड़ों को ना, अगले साल ना जब सूख जाएंगी तो जाड़ों में जब बर्फ़ गिरती है तो तब हमारे काम आएंगी ये लकड़ियाँ। तो अभी मैं ये वाला काम कर लिया मैंने, अब इसको चुटकी खाएगी, अब मैं अमरूद खाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो गैस देखिए अब मैं खा रही हूँ अमरूद, आज ना मैंने बहुत सारा काम कर लिया तो मैं थक गई हूँ। ये अमरूद ना कल कहीं से लाए थे तो मैंने ये अभी मैंने सोचा धूप में बैठ के खाऊंगी, और हमारे वहाँ पे तो होते ही नहीं है अमरूद। अब मैं अब दिखाती हूँ आगे को क्या काम करती हूँ, आज पूरा दिन मैं काम करूँगी और इसी का ब्लॉग बनेगा मेरा आज, तो दिखाती हूँ फिर आप लोगों को। ये देखिए मेरे खेत में ना अभी भी 3-4 पेड़ मिर्च के बचा रखे थे, तो अभी बीच में हरी और लाल मिर्चें हो रही है। देखो जैसे हमें रोज़ डेली यूज के लिए चाहिए होता है तो मैं इसी में से दो दो हरी मिर्ची तोड़ के ले जाती हूँ। ये देखो हरी मिर्च बहुत अच्छी हो रही है और तेज़ भी बहुत लग रही है ये मिर्च। ये देखिए 4-5 पेड़ ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है। गाइज आज मैं ना आपको अपना गोदाम वाला कमरा दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें ना हम जैसे पेटियाँ फल की पेटी भरते थे और बारदाना आता था वो रखते थे, तो ये इसके अंदर ना पेटी और फल वल भरने का काम होता था। ये अभी बंद कर रखा है, तो नहीं तो मैं आप लोगों को खोल के दिखाती। और ये यहाँ से रोड की साइड से हमारे घर का व्यू, ये देखिए और अपने आगे के रोड की तरफ से फूल दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी ये देखिए, तो आपको ना मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, बड़े वाले नींबू। अभी ये ना हमारे पड़ोसियों का है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। ये देखिए ये रहा वो नींबू का पेड़, दिखाती हूँ वहाँ। ये देखिए ये नींबू हैं, बड़े वाले नींबू रखे हैं इस पेड़ में। और अब मैं आपको ना अपने रोड की तरफ से फूल दिखाऊंगी। ये देखो मेरे गेट के वहां पे ना एक ये बेल हो रखी है, इतनी अच्छी लगती है ये। ये देखिए ये देखो हमारा गेट जो है वहीं पे हो रखी है बेल। बहुत अच्छी लगती है। और दिखाती हूँ आपको आगे वाले फूल, आज रोड की तरफ वाले। ये देखिए इसमें तो अभी फूल निकल रहे हैं, ये ना गेंदे का फूल है। और ये देखिए पिंक फूल इसमें आया है, बहुत अच्छी हो रही है भी। ये देखो ये मेरी रोड की तरफ जो क्यारी बनाई है ना मैंने, उसमें हो रखे फूल। ये रहे मेरे फूल, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो रखा है यहाँ पे, ये देखिए मैंने, हम इसको ना काटते रहते हैं, ये बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। ये देखो इसमें हमेशा फूल खिलते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा फूल है, ये कभी नहीं सूखता ये फूल, और हमेशा फूल आते हैं इसमें। ये देखो इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है ये। ये रहा मेरा गुलाब का फूल, और इसमें ना वाइट कलर के गुलाब आते हैं, दिखाती हूँ आपको। अभी कोई कोई खिल रखा है, ज़्यादा तो नहीं।
ये देखिए, ये देखो ये वाइट कलर का गुलाब है, तो इसमें कमी फूल आते हैं। अभी तो जब आएंगे तो पूरे फूल ना बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। ये देखो ये देखो, वाइट कलर के हल्के पिंक और ये वाले गुलाब का फूल है, ये बहुत अच्छे होते हैं इसमें भी फूल। ये भी पिंक वाला फूल है और ये ना वही बेल वाला फूल है जो हमारी छत की तरफ जाएगा, ये ऐसे करके। ये देखिए ये ना अभी छत में, और दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो चिड़िया का घोंसला भी है यहाँ पे, मिट्टी से बना हुआ है। ये देखो दिखाती हूँ जूम करके, ये देखो ये ना मिट्टी से बना रखा है चिड़ियाओं ने। ये देखो इसके अंदर रहती है तो उसको ठंडा भी नहीं होता होगा। ये बेल ना हमारी छत में जा रही है ऐसे करके, ये देखो। और ये डिब्बे में फूल लगा रखा है मैंने बोतल काट के। और ये रहा यहाँ ऐसे कुछ व्यू, ये भी गुलाब का फूल है पर इसमें आजकल ना सूख गए। ये देखिए फूल भी आए हैं वैसे तो, पर सूख गए अभी। ये देखो बहुत अच्छा गुलाब है, ये ऑरेंज कलर का है। ये अलग अलग प्रकार के गुलाब होते हैं यहाँ पे। ये रहा पेड़ की तरफ से हमारा घर। ये ना हमारे नीचे वाले कमरों की चिमनी है जिसमें हम जाड़ों में आग जलाते हैं, तो धुआं बाहर आता है इससे। ये है हमारी बाहर की तरफ से क्यारी, ये देखिए रोड की तरफ से जो क्यारी है। ये वाले फूल मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए थे ना, तो आज तभी दिखा रही हूँ। और दिखाती हूँ अपने गड़े जी ऊपर छत में, देखो ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये देखो मेरे गड़े जी कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखो कैसे लगे मेरे गड़े जी कमेंट करके ज़रूर बताना। एक और है इस तरफ, ये देखिए अभी दिखाती हूँ। ये देखो इनमें ना जब फूल होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अपने ये देखिए, ये है मेरे गणेश जी, कैसे लगे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने ना ये जो खाली डिब्बे होते हैं ऑयल के, उससे बनवाए थे मतलब अपने हाथों से पेंट किया था, फिर उसके बाद फूल लगाए थे। तो
तो गैस ना अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।